नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बिजनेस आइडिया के साथ साथ एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर आप अपने बिजनेस में लगा देते हैं फिर आपका लाइफ बदल सकता है। आपके बिजनेस के करियर को चेंज करने के लिए ये ट्रिक बहुत काम आने वाला है। वीडियो खत्म होते होते आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, एक बात से आप अग्री करेंगे कि जब आप अपने दुकान के अंदर या अपने किसी भी बिजनेस के अंदर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं या कोई सर्विस देते हैं, उस समय आपका क्या मुनाफा होता है, आप क्या अर्न करते हैं, ये आप उसी समय समझ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक कपड़े की दुकान की बात करूं तो उसमें अगर ये टी शर्ट अगर बिक रही है तो इस टी शर्ट को बेचने के बाद दुकानदार को कितना मुनाफा हो रहा है, ये बहुत अच्छे से वो समझ रहे होते हैं। दोस्तों, जो मैं ट्रिक आपको देने वाला हूं उसको आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रिंटिंग प्रेस में जाना होगा, वहां जाकर आपको कुछ कूपन छपवा लेने होंगे। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये जो कूपन है इसके लाभ को मैं आपको बताऊंगा तो आप काफी एक्साइटमेंट से भर जाएंगे। दोस्तों, यूं तो कपड़े के दुकान में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि कोई एक कपड़ा 400 रुपए में बिका, ये कूपन का क्या लाभ है वही आपको बता रहा हूं। तो उसमें आप 100 रुपए कम से कम बचाएंगे, क्योंकि गारमेंट का जो बिजनेस होता है उसमें काफी ज्यादा मुनाफा होता है। दोस्तों, आपने जितने का माल बेचा है उसका 10% अपने दिमाग में रखिए। मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर 400 का सामान लेते हैं, उनके खरीदारी के अमाउंट का 10% यानी 400 का 40 रुपया ये आप उनको उसी समय कूपन पर लिख दीजिए। जो कूपन होगा, सबसे पहले तो आप जो बिल बनाएंगे वो बिल के साथ उस कूपन को रखकर स्टेपलर मार दीजिए। दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि अगर 400 रुपए के कपड़े को बेचकर आपको 100 रुपए नहीं बचकर अगर 60 रुपए बच रहे हैं तो भी 40 रुपए का कूपन आपको देना है। ये आपको लग रहा होगा कि 40 रुपए का कूपन मैं अपने ग्राहक को दे रहा हूं तो मैं 40 रुपए लुटा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं इस 40 रुपए से भी तकरीबन 35 रुपए मैं आपको बचा कर दूंगा। अब जो कूपन आपने उनको दिया है उनको बोलिए कि इस कूपन को लेकर सामने जो फास्ट फूड का दुकान दिख रहा है वहां पर जाइए, जो अमाउंट यहां लिखा है उतने का फास्ट फूड आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहां एक मैं आपको बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट फूड की ही दुकान सामने डालनी है, आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, छोटे से स्टेशनरी को डाल सकते हैं या फिर ऐसी छोटी दुकान जो आप काफी कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं उसको वहां डाल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ग्राहकों को हमेशा होता है। अब दोस्तों, यहां एक बात बताइए कि जो 40 रुपए का चौमिन मार्केट में बिक रहा है, क्या वो वास्तव में 40 रुपए में ही तैयार हो रहा है? वो एक्चुअली 5 से 7 रुपए में रेडी हो जाता है। यानी 5 रुपए के चौमिन को हाफ प्लेट, क्वार्टर प्लेट या फुल प्लेट बताकर 40 रुपए मार्केट से अर्न किया जाता है। आपने उनको 40 रुपए का कूपन दिया, उन्होंने 40 रुपए में हाफ या फुल प्लेट चौमिन खा लिया, लेकिन एग्जैक्ट लागत आपको उस चौमिन के पीछे मात्र 5 रुपए की थी। यानी उस 40 रुपए के कूपन से भी 35 रुपए आप बचा चुके हैं। यानी अब शुरुआत में चलते हैं, 400 रुपए का उन्होंने सामान खरीदा, 100 रुपए आपकी बचत थी, उसमें से क्या किया आपने 40 रुपए उनको दे दिए कूपन के तौर पे। लेकिन जब वो कूपन लेके आपके दुकान पे गए तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 5 रुपए की ही चीज खाई, क्योंकि मैं आपके लागत को ही जोड़ूंगा, और बचा 35 रुपया। ये 35 रुपए वापस आपके पास आ गए, यानी 60 रुपए इधर जो बचा रहे थे 35 रुपए और बच गए, यानी टोटल 95 रुपए। एग्जैक्टली आपने 100 रुपए में 40 रुपए का कूपन भी दे दिया और 95 रुपए बचा भी ली। ये एक मैजिकल कैलकुलेशन है। 100 रुपए में 95 की सेविंग, 40 का गिफ्ट। कस्टमर के दिमाग पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा? वो सोचे कि 400 के सामान में खाने को भी कुछ मिल गया, वो 40 रुपए का कुछ उनको नहीं मिलता। डिस्काउंट भी आपने दिया होगा 400 का कपड़ा, जरूरी नहीं कि 400 ही हुआ होगा, वो मोल जोल करके कम कराए होंगे। यानी कस्टमर को हर तरीके से फायदा ही फायदा नजर आया और आप तो डबल मुनाफे में थे, 100 रुपए में 135 रुपए का काम आपने कर लिया। अब दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि एक दिन में टारगेट करिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक जब आप दुकान खोलते हैं उस बीच में कम से कम 30 कपड़े तो जरूर ही बेच लीजिए। सबका एवरेज प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं 100 रुपए के तौर पर तो 3000 रुपए की सेविंग आप यहां से करेंगे एक दिन में। और फास्ट फूड का कॉर्नर है तो कूपन लेकर आकर खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, बल्कि वहां पर जो लोकल लोग होंगे जो फास्ट फूड खाना पसंद करेंगे उन लोगों की भीड़ ज्यादा होगी। यानी कि 1000-1500 रुपए आप एक दिन में फास्ट फूड से एक्स्ट्रा अर्न करेंगे। अब 3000 इधर और 1500 उधर, तकरीबन 4500 रुपए की कमाई होने वाली है। मान के चलिए 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की अर्निंग आप इस गारमेंट प्लस फास्ट फूड के कॉर्नर से करने वाले हैं। कॉम्बो बिजनेस है और दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो मुनाफा काफी ऊपर चला जाता है। ये जरूरी नहीं कि बहुत भड़कदार आपको दुकान लेनी है और बहुत भड़कदार आपको फास्ट फूड का कॉर्नर डालना है। सिंपल सिंपल दोनों को रखिए, छोटी सी दुकान, छोटा सा ठेला भी लगा दीजिएगा तो भी चल जाएगा। अब इन 1.5 लाख-1.75 लाख रुपए में से जो भी आप स्टाफ के लिए खर्च देते हैं, 10,000-15,000 के महीने पर अगर 2 स्टाफ भी है, 30,000 दे भी देते हैं तो भी 1 लाख रुपए आप हर महीने बचाएंगे मिनिमम। दोस्तों, ये ट्रिक काफी बेहतरीन है। जरूरी नहीं कि गारमेंट की दुकान और फिर फास्ट फूड हो, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप ट्रिक लगाकर कूपन की व्यवस्था करके अपने अर्निंग को काफी बढ़ा सकते हैं। कस्टमर बार बार आपकी दुकान में आते रहेंगे। दोस्तों, ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें। एक बेहतरीन आइडिया के साथ मिलता हूं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।